बाहर लिखा हुआ था कि आपके पास गायनी की भी फैसिलिटी है, आपके पास डेंटल की भी फैसिलिटी है, स्किन की भी फैसिलिटी है, कोई माइनर ओटी भी है। अच्छा, ये सारी फैसिलिटीज़ तो हम विज़िट करेंगे। वैसे ये मुझे बता दें कि यहाँ पे कोई गायनी में कोई इस तरह केसेस होते हैं, लाइक डिलीवरी के केसेस भी हैंडल किए जाते हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास बहुत अच्छा यहाँ पे मेटर्निटी डिपार्टमेंट हमने यहाँ लास्ट केस कब आया था आपके पास? लास्ट केस हमारे पास अभी 2 डेज पहले केस आया नॉर्मल डिलीवरी का, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 15 डिलीवरीज यहाँ पे सक्सेसफुल कर चुके नॉर्मल डिलीवरी। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 15 से ज़्यादा हमने डिलीवरीज कर चुके हैं, तो वो कैसे हुई हैं, क्या हुई हैं, मैं आपको विजिट कराता हूँ हमारा लेबर रूम गायनी का। प्लीज़, ये हमारा जो है लेबर रूम है गायनी का, और इसमें आप देखें हमारे पास जितनी मशीन्स हैं तो वो सारी इंपोर्टेंट मशीन्स हैं। जो लेबर बेड है वो भी अमेरिकन हिलरोम का लेबर बेड है, जो हमारे पास बेबी वार्मर है वो भी इंग्लैंड कॉसिकॉट का वार्मर है। पेशेंट यहाँ पे जो है उसकी डिलीवरी होती है और यहीं पे पेशेंट को रिटेन कर लिया जाता है, ऑब्जर्वेशन में होती है, जब तक गायनेकोलॉजिस्ट जो है उसको सेटिस्फाई नहीं होती तब तक पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं किया जाता। लेकिन अमूमन ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट जो है 2-3 घंटे में स्टेबल हो जाता है और हम बच्चे को माँ के साथ सेफली जो है उसके घर जो है हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं।